सो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज आप लोग को पता चलने होगा गया होगा कि मैं वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आया हूं दोस्तों आप लोग के लिए। तो प्लीज़ आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। उनके जरिए आप लोग को न्यू न्यू वीडियो देखने की मौका मिल सकती है। तो गाइस, आज आप लोग को हम बताएंगे, आप लोग तो हमारे टॉपिक से देख लिए मेरे थंबनेल कि किस टॉपिक पर वीडियो आपका भाई बनाने वाला है। तो भाई, हम फुल सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और गाइस, आज आप लोग को हम बताएंगे, चलिए बताते हैं कि गाइस देखिए, इंडियन इग्नेट पैरट होते हैं चाहे तो अलेक्जेंडर पैरट होते हैं, उसमें क्या क्या पहचान होती है और क्या क्या नहीं होती है। जैसे हम ले आते हैं, मतलब पहचान करनी होती है हमें, पहाड़ी तोते लाने होते हैं और हम इंडियन इग्नेट पैरट को ले आते हैं। तो आज उसी के बारे में आज हम आप लोग से बात करेंगे गाइस। तो गाइस देखिए, मतलब जो होते हैं पैरट्स, ठीक है, जो इंडियन इग्नेट पैरट होते हैं दोस्तों, तो उनकी जो आप लोग को जो कला है और उनकी क्या क्या खूबसूरतियाँ होती है और क्या क्या वजह होती है, चलिए आज इस वीडियो के माध्यम में आप लोग से बात करते हैं। तो गाइस चलिए, तो देखिए दोस्तों, मैंने कई वीडियो बना चुका हूँ अपने चैनल पर, के वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, दो वीडियो सिर्फ अपलोड कर दिया और तीन वीडियो। तो गाइस, तो ये वीडियो थोड़ा अलग ही है और थोड़ा अलग टाइप पर है, और आप लोग वीडियो को पूरा फुल देखिएगा और थोड़ा सा स्किप भी मत कीजिए गाइस। स्किप करने से आप लोग दोस्तों अपने मौक़ों को खो देते हैं पहचानने की, और हमें लाना होता है इंडियन इग्नेट पैरट और हम ले आते हैं पहाड़ी तोता। तो आज उसके बारे में आप लोग को बात करेंगे। और जो जो भाई हम अपने पैरट से प्यार करते हैं और हमारे पैरट से, और जो जो भाई हमको पैरट से प्यार करते हैं और हमसे भी, तो हमसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और छोटे से कॉमेंट भी कर दे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, उसी के बारे में आज आप लोग के लिए बात होंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर आप लोग पूरा सीख जाएंगे, ध्यान से मेरी वीडियो को देखिएगा, थोड़ा सा स्किप भी मत कीजिए गाइस, उसके जरिए आप लोग देखने को मिलेगा और क्या क्या बता रहा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट मेरा इंडियन इग्नेट पैरट हो गया, ठीक है। तो देखिए गाइस, जो इनकी मतलब जो कलर होती है, देखिए पहला पॉइंट मेरा, थोड़ा सा स्किप भी मत कीजिएगा गाइस, ठीक है, हमसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। देखिए गाइस, जो इनकी जो चोंच होती है, चोंच देखिए कितना छोटा है, ठीक है, ये वीडियो थोड़ा अलग है आप लोग देखिएगा। ये चोंच देखिए, इनका सिर देखिए और इनकी कलर देखिए और इनकी छोटी देखिए, इतनी कितनी छोटी है और कितनी मतलब छोट रहती है और कितनी मस्त मतलब बोलते भी है, और इनकी आवाज़ भी देखिएगा इस किस तरह से निकलता है। और जो ये तो हो गया, और देखिए इनकी नाखून भी किस तरह से छोटे छोटे होते हैं और क्या क्या नहीं होते हैं, चलिए ये तो हम बता दिए कि इस तरह से पहचान होती है। जहाँ भी आप इस तरह का पैरोट देख लें, ये आप लोग देख लीजिएगा कि इंडियन इग्नेट पैरोट है और आप उसे ले आइएगा, ठीक है। चलिए अब इनके बारे में बात करते हैं, मेल फीमेल, ठीक है। तो गाइस, मेल फीमेल मतलब देखिए क्या होता है, पहले आप लोग को बता देते हैं हिंदी में। मेल फीमेल कोई कोई भाई नहीं जानता है, तो भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आपका भाई जरूर बताएगा। मेल मतलब होता है मतलब जो लड़का, ठीक है, मेल मतलब लड़का होता है और फीमेल मतलब होता है लड़की। तो गाइस, लड़का और लड़की के बारे में आज हम आप लोग के बारे में आप लोग को बता देंगे गाइस कि क्या उनकी पहचान होती है, ठीक है। तो पैरट्स में बता देंगे, देखिए गाइस, देखिए दोस्तों, जो इनकी जो होती है पंख, ठीक है, पहले इनकी आप पंख देखिए आप लोग, फिर पता चल जाएगा कि आपका भाई कैसे कैसे बता देगा शॉर्टकट में। देखिए इनकी पंख देखिए और इनकी पंख देखिए, कुछ आप लोग को फर्क पड़ रहा होगा। देखिए इनकी पंख देख लीजिए और एक बार इनकी पंख देख लीजिए, फर्क पड़ गया भाई क्या? देखिए इनकी जो मतलब जो पंख है काफ़ी सुंदर है, देख लीजिए, ठीक है, काफ़ी सुंदर है। इनकी पूंछ भी देखिए काफ़ी सुंदर है, पूंछ भी सिर्फ एक ही तरह रहता है पर उसका थोड़ा दूसरा टाइप का रहता है गाइस, आप लोग को दिखा देंगे। जो मेल होते हैं वो काफ़ी वजन में बड़ा होते हैं और काफ़ी मतलब उसकी हेल्थ जो होती है वो काफ़ी डेवलप करती है, जल्दी जल्दी से डेवलप करती है दोस्तों। उनकी मतलब खाना खाने में वो पूरा तेज रहती है और खाना मांगते हैं बहुत हमसे, देखिए खाना किस तरह से मांग रहे हैं चटा चटा कर। तो गाइस, ये आप लोग को पता चल गया कि टॉप पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो इनकी पंख पता चल गया और इनकी चोंच तो आप लोग को पता चल ही गया होगा दोस्तों कि देखिए इनकी चोंच किस तरह रहता है, इनका देखिए किस तरह लाल है, देखिए इधर हमारे स्क्रीनशॉट पर आप लोग देख लीजिए कि चोंच देखिए इनका किस तरह होता है लाल, ठीक है। और इनका चोंच देखिए गाइस, देखिए इनका यहाँ पे काला है क्या नहीं है, मेरे स्क्रीनशॉट पर लगा दिए मैंने, इसलिए मैंने बनाया, तो देख लीजिए कि क्या रहता है, देख लिए आप लोग। अब चलिए इनके बारे में, पैर के बारे में हम बात करते हैं। तो गाइस, जो इनकी पैर होती है आप समझ जाइएगा, अगर यदि आप लोग के पास इस तरह का मतलब नाखून अगर यदि सफ़ेद मिले, देखिए इनका नाखून किस तरह से सफ़ेद है और इनका देखिए किस तरह से काला है, ठीक है।
जब सफ़ेद आप लोग को मिल गया तो दोस्तों आप छोटे में देखिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे मेल चाहिए जिनकी मतलब रिंग आ जाए पूरा बढ़िया तरह से, उसको मतलब हम पोसेंगे और उसको मतलब बोलने के लिए सिखाएंगे और काफ़ी सुंदर भी लगते हैं। तो हम भी यही चाहते हैं दोस्तों कि पालिए तो दोनों भी पालिए, ठीक है। दोनों पालने से बहुत फ़ायदा होता है आप लोग को, उससे ब्रीड भी अपने बच्चा भी उससे ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने इनको लाया है। तो इनकी आप लोग को दूसरा पहचान भी स्क्रीनशॉट में लगा दिए, आप लोग देख लीजिएगा पैर से क्या पहचान होता है। तो देखिए इसका सादा रहता है मेल का और फीमेल का थोड़ा ब्लैक रहता है। देखिए गाइस आप लोग को पूरा हकीकत के साथ बोल रहे हैं, देखिए इसका ब्लैक है और इसका देखिए साथा सादा है या नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो मेरे बातों को आप स्किप मत कीजिए और थोड़ा बारी बारी से देखिए गाइस, ठीक है। और चलिए आज आप लोग के बाद में अब बात करते हैं हम पहाड़ी तोता, ठीक है। पहाड़ी तोता मेरे पास नहीं है पर पिंजड़े में है, पर उनके वो नहीं ले पाया क्योंकि इसको काट टूट देगा इसलिए। तो चलिए उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो गाइस जो पहाड़ी तोता होते हैं, ठीक है, पहाड़ी तोता जो उनकी कलर होती है वो देखिए स्क्रीनशॉट पर मैंने लगा दिया, यहाँ पे देख सकते हैं, देख लिया आप लोग। इनकी जो कलर होती है, जो इनकी मतलब वजन काफ़ी तेज़ी होती है इनकी का, केवल इनकी 75 ग्राम होती है दोस्तों। और जो उनकी होती है वो केवल मतलब होती है मतलब 150-180 ग्राम उनकी वजन होती है दोस्तों। काफ़ी वजन में बहुत ही मतलब ग्रोथ होती है, काफ़ी मोटे होते हैं, बहुत तगड़े। और उनकी चोंच उच भी इनकी जितना एक है दोस्तों, उनका मतलब जितना इसका दो है उतना इसका एक रहता है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यही है। तो देख लिए गाइस इसका मतलब किस तरह से रहता है और उनका भी चोंच देखिए गाइस, उनका भी चोंच में ऐसा बात नहीं है, सेम टू सेम रहता है। बस उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है कि थोड़ा बड़ा रहता है और उनकी यहाँ पंख पे यहाँ पे थोड़ा लाल रहता है रेड रेड। और जो मेल होते हैं उनका मतलब थोड़ा थोड़ा रहता है यहाँ पे लाल लाल, और फीमेल का पूरा लाल लाल रहता है। तो इस तरह से आप लोग मेल फीमेल की पहचान मतलब आसानी से कर सकते हैं। और मतलब देखिए और जो एक बार और बता देते हैं उसकी बात दोस्तों, ठीक है। उन मतलब पहाड़ी तोता की हम बात बता रहे हैं आप लोग को, जो इनकी यहाँ पे होगा चोंच, ठीक है, यहाँ पे जो चोंच होगा उनका देखिएगा मतलब यहाँ चोंच के नीचे आप लोग का जो मेल होगा उनका थोड़ा लंबा टाइप का होगा, ठीक है। लंबा देखिए इनका लंबा है, देख लीजिए इनका लंबा है और इनका देखिए, ठीक है, देखिए आप लोग देखिए इनका कितना कितना छोटा है, देख सकते हैं साइड में ही पूरा छोटा है, देख सकते हैं इनका लंबा है। तो गाइस मैंने काफ़ी रिसर्च करके ये वीडियो बनाया है आप लोग के लिए और आप लोग को दिखाने के लिए गाइस। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा और पूरा मस्त लगा होगा दोस्तों। तो फटाक से मेरे भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट भी कर दे, ठीक है। तो गाइस आप लोग को मेल फीमेल के पहचान आप लोग को पता चल गया, इंडियन रिंगनेट पैरोट और जो पहाड़ी तोता होते हैं उनके बारे में आप लोग को पूरा बढ़िया से पता चल गया। तो मतलब आप लोग आसानी से आप पहचान सकते हैं, जो जो भाई पहचान सकते हैं वो मेरे, और कोई दिक्कत अगर यदि आप लोग कोई दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो जो भाई मेरे मतलब आप मेरे वीडियो को देखकर कुछ कुछ सीखे होंगे गए होंगे दोस्तों, तो मेरे फटाक से कमेंट कर दें कि भाई मैं सीख गया वीडियो आपको देखकर वीडियो, तो मैं और मुझे बनाने का मन करेगा दोस्तों। और अपने पैरट्स को ऐसे जगह पर रख सकते हैं, देखिए मैंने किस तरह जगह पर रखा है इनको, देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा बिल कर दिया हूँ, इससे मुंह निकालती है और आराम से मतलब रहती है, मतलब इसको महसूस भी नहीं होता है कि मैं अपने घर में हूँ या जंगल में हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग भुरका कर दें आराम से उससे रहेगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत जय हिंदुस्तान।